नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार के दरभंगा जिला स्थित मब्बी पर पहुंचे। लोगों की उमड़ी भीड़, इन्हें 57 पर हजारों की तादाद में लोगों ने किया भव्य स्वागत, फूल माला पाक चादरों से किया सम्मानित। यही नहीं, तलवार भी देकर खुशी जाहिर की। चिराग पासवान पहुंचते ही मब्बी स्थित मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, उसके बाद शैलेश मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी में चिराग पासवान जिंदाबाद और बिहार का आने वाला मुख्यमंत्री चिराग पासवान, ऐसे कई नारे लगे। हालांकि इसके बाद जनता को संबोधन किया और कहा, राजा शैलेश जिनका हम सब लोग दिल में आस्था रखते हैं, आज यहां उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। एक बड़ी लड़ाई जो अकेले लड़ रहा हूं लंबे समय से, और इस लड़ाई में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जो हमें शक्ति बल देते हैं, पिछले एक साल से मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए हमेशा खड़े होते हैं, उनके पीछे राजा शैलेश का आशीर्वाद है। और यही नहीं, उन्होंने राजनीतिक मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर खूब गरजे और बरसे। राजा शैलेश और बाबा चौहरमल जो हम लोगों के हमारे ईष्ट हैं, जिनको हम सब जिनमें आस्था रखते हैं, आज यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने में आए। एक बड़ी लड़ाई मैं अकेले लड़ रहा हूँ एक लंबे समय से, और इस लड़ाई में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद ही जो मुझे शक्ति बल देता रहा। पिछले एक साल डेढ़ साल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए यकीनन एक कठिन साल रहा, पर इन कठिनाइयों को भी पार करते हुए मेरे नेता, मेरे पिता के आशीर्वाद से, बाबा जौहरमल के आशीर्वाद से, राजा शैलेश के आशीर्वाद से उन कठिनाइयों को पार करने की हिम्मत मिली। और आज मुझे खुशी है कि जिस तरीके से लोग जन शक्ति पार्टी रामविलास एक नई ऊंचाइयां हासिल कर रही है, 2020 के चुनाव परिणामों के बाद कई लोगों को इस बात की आशंका थी कि भैया पार्टी ने
कोई विधायक जीता नहीं है, जीता जदयू में चला गया तो अब पार्टी का क्या। पर मैंने हमेशा इस बात को कहा कि राजनीति में, सक्रिय राजनीति में जरूर संख्या बल से पार्टी की ताकत को आंका जाता है, पर जब देश की एक बड़ी आबादी अपना समर्थन आपको देती है ऐसे में वो आपकी एक बड़ी ताकत बनती है। 6% का मत उस वक्त हम लोग को मिला। आज जितने लोग चिराग मॉडल की वजह से परेशान हैं, जितने लोग चिराग मॉडल को आज कोस रहे हैं कि भैया चिराग मॉडल की वजह से हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, हकीकत है कि हमारी वजह से वो तीसरे नंबर की पार्टी बने, हमारी वजह से मुख्यमंत्री जी के आधे से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव हारे, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या ने लोक जनशक्ति पार्टी रामदास को अपना समर्थन दिया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन दिया, और यही चिराग मॉडल है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो मेरे नेता ने अपने अंतिम दिनों में जिसको ड्राफ्ट किया था, वही हम लोग का चिराग मॉडल है जिसको लेकर प्रदेश भर में हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। और अगले चुनाव में विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं कि जो मुख्यमंत्री की पार्टी इस बार तीसरे नंबर पर आई, अगले मध्यावधि चुनाव आते आते तक, मैं सोच समझ कर मध्यावधि चुनाव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि होंगे, मध्यावधि चुनाव आते आते तक शून्य पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी आउट होगी और बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार आने वाले दिनों में बनेगी, ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। अब आप लोग के कोई सवाल नहीं। भाई किसी भी सरकार या किसी भी नेता की कार्यशैली देखनी हो कि आने वाले समय में क्या करेगा, उसका इतिहास टटोल के देखो। इतिहास में जो जो भूमिका रणनीति कोई नेता लेता है भविष्य में भी मोर और लेस वैसी ही कार्यशैली रहती है। 2015 में इस बात का आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए था कि जो व्यक्ति 2013 में एनडीए गठबंधन छोड़कर गया हो वो पुनः एनडीए में आ सकता है, और उन्होंने किया। 2017 में पुनः वो एनडीए में आए। 2017 में किसी को इस बात का ताजुब नहीं होना चाहिए था कि जो 2015 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गया हो वो पुनः महागठबंधन में जा सकता है, जो कि 2022 में वो गए। पर बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनादेश का अपमान कर रहे हैं। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए था तो सरकार चलाई एनडीए के साथ, अभी ये जनादेश एनडीए के लिए है तो सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ। भाई चिराग मॉडल क्या था जिसका जिक्र ललन जी कर रहे हैं, क्या था? जन भावनाओं का प्रतीक था वो चिराग मॉडल, और जन भावनाएं क्या थी? आक्रोश था। किस बात का आक्रोश? इस बात का कि भैया हमने जनादेश दिया था आपको महागठबंधन के साथ सरकार चलाने का, आप आ गए एनडीए के साथ। यही आक्रोश अगले मध्यावधि चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जनादेश इस बार एनडीए के लिए था और इन्होंने सरकार बना ली महागठबंधन के साथ। जो अब जो आपने सवाल पूछा वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री उस तरफ गए हैं से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने के लिए। जैसे ही ये तय होगा कि इनको प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं बनाया जा रहा, 2024 आते आते तक ये उस गठबंधन से भी अलग होंगे और संभवतः लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों एक साथ 2024 में। चिराग पासवान का रोल क्या होगा, कहां रहेंगे चिराग पासवान? भाई ये उसी वक्त तय किया जाएगा, और वैसे भी ये जनरल प्रैक्टिस रही है कि गठबंधन अक्सर चुनाव के वक्त ही तय किए जाते हैं। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा ध्यान अपनी पार्टी की तरफ केंद्रित है, जीरो से अपनी पार्टी शुरू कर रहा हूँ, एक नए नाम, नए सिंबल, नई पहचान के साथ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ। तो अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने जनाधार को मजबूत करने की ओर अभी मेरा ध्यान केंद्रित है। गठबंधन का फैसला चुनाव के करीब लिया जाए। एनडीए में नेता मिलेगा, आप जा सकते हैं? भाई ऐसा नहीं है कि मैं जा सकता हूँ, जैसा मैंने कहा मेरी प्राथमिकता नहीं अभी किसी गठबंधन का हिस्सा बना, भले वो एनडीए हो महागठबंधन हो। कल भी राजद की तरफ से उनके कई नेताओं के बयान ऐसे आए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बयान दिए, पर ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी गठबंधन में जाने के लिए बेचैन हूँ या उत्सुक हूँ। जैसा मैंने कहा मेरी प्राथमिकता अभी अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करना है,
गठबंधन का फैसला सही समय पर आने पर लिया गया। मेरा आखिरी सवाल कि जब सरकार सुशासन की सरकार बनी जाती है, अब वो बीजेपी में चले गए तो बीजेपी हमलावर है कि जंगल राज आने वाला, आपको क्या लगता है? भैया जंगल राज हम लोग को बताया किसने? मेरी उम्र के युवा से अगर आप पूछें या यहाँ पे जितने और बाकी युवा हैं जिनकी जो शायद फर्स्ट टाइम वोटर हो, 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, उसको ये जंगल राज की जानकारी किसने दी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री पिछले चुनाव और उसके बाद क्या बोलते थे, जब जब उनसे विकास के सवाल पूछे जाते थे तो उनका जवाब था कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। वो बताते थे कि जंगल राज था। भाई 18 साल के लड़के को तो नहीं पता ना, उसकी आयु तो आज की तारीख में 3 साल की होगी, 4 साल की उस वक्त होगी, 15 साल पहले। उसको इन्होंने ही बताया कि जंगल राज था, और आज उसी जंगल राज की शरण में मुख्यमंत्री चले गए हैं। तो जवाब देना भैया, जीरो टॉलरेंस बोलते हैं क्राइम के प्रति, ये टॉलरेंस नहीं है तो और क्या? जीरो टॉलरेंस बोलते हैं करप्शन के प्रति। इन्हीं उप मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ये उस गठबंधन से अलग हुए, तो क्या वो तमाम आरोप तमाम दाग धुल गए क्या कि आज आप पुनः उसके साथ उनके साथ आप वापस चले गए? हकीकत है ये तमाम फैसले, ये फैसला कोई बिहार के हित में नहीं लिया गया, बिहार के विकास को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिया गया। ये मुख्यमंत्री जी ने अपने सत्ता के लोभ में, कुर्सी की लालच में, फॉर द लस्ट ऑफ पावर ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया। कैसी नीति है उलट पुलट फेर की जो ये राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, आप कैसी नीति मानते हैं? गलत है भैया, गलत है। अगर कोई विश्वास का अभाव है किसी गठबंधन के भीतर तो आप नए जनादेश के लिए जाइए, और आपके माध्यम से भाई कम से कम मैं एक बार आग्रह करूंगा मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, लगभग 2 दशक होने को आया है आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बने को, कम से कम हिम्मत दिखाएं और एक चुनाव अकेले लड़कर दिखाएं। भैया चिराग पासवान उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में हर लिहाज से आपसे कम, पर चिराग पासवान ने हिम्मत दिखाई अकेले चुनाव लड़ने की और आपको तीसरे नंबर की पार्टी बनाई। एक बार हिम्मत आप भी दिखा दीजिए मुख्यमंत्री जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि चिराग मॉडल भारी है कि नीतीश मॉडल भारी है। सामने आ जाइए, सामने फरिया। भाई सबसे पहले तो एनडीए से बाहर जाने का फैसला ये पूरी तरीके से मेरा, मेरी पार्टी का ये फैसला था। 2020 में हम लोग चाहते थे कि सरकारी एजेंडे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को शामिल किया जाए, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है 7 निश्चय पर। और मैं आज भी कहता हूँ जिस दिन जांच होगी बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी घोटाले की, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना के तहत 7 निश्चय का नाम सामने आएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर किसी योजना में हुआ है तो इसमें हुआ है। बहरहाल ये शिकायत मुझे भाजपा से भी थी कि अगर आप एक गठबंधन का हिस्सा है तो साझा न्यूनतम कार्यक्रम क्यों नहीं बना, क्यों भाजपा ने अपना एजेंडा सरकारी एजेंडे में शामिल नहीं किया। भाई आप बता दीजिए, मुख्यमंत्री ने पिछले 8 सालों में हम लोगों के सामने ही 3-3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, 15 में 17 में 22 में। इन तीनों बार में सरकार में क्या बदला बताएं मुझे? सरकार 15 में भी 7 निश्चय पर काम कर रही थी लालू जी के साथ, 17 में भी 7 निश्चय पर काम कर रही थी भाजपा के साथ, 22 में भी 7 निश्चय पर ही काम कर रही है मुख्यमंत्री ये राजद के साथ। तो जब आप मुख्यमंत्री गठबंधन बदल रहे हैं, सरकारी एजेंडा तो नहीं बदला, तो मेरी ये शिकायत रही है। तो इसीलिए आने वाले समय में भी मेरा गठबंधन उसी के साथ होगा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन करेगा। इसीलिए पिछले चुनाव में मैं भाजपा के साथ अलग हुआ था। और जो आपका पहला सवाल क्या था आपका? जो आपके पिताजी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बांटने का काम किया, एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देगा बांटने की राजनीति करना। परिवार का मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरे परिवार को एक साथ लेकर चले। ऐसे में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि जातियों में बांटने की बजाय पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलते, पर इन्होंने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा करके ना सिर्फ जातियों में बांटने का काम किया, सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को नुकसान पहुंचाने की सोच से ये फैसला उठाया गया। ये सोच मुख्यमंत्री की हमेशा रही है।
मेरे नेता को अपमानित करने की कोई कसर मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ी। उनके बढ़ते कद से भयभीत होकर दलित महादलित का निर्णय लिया गया, जिसमें पासवान समाज को छोड़कर तमाम बाकी जातियों को महादलित में डाल दिया गया। ये निर्णय शुद्धता मेरे नेता रामविलास पासवान जी के बढ़ते कद को छोटा करने की सोच के साथ उठाया गया, पर मुझे खुशी है कि उसके बावजूद पूरी अनुसूचित जाति जनजाति ही नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज हो, गरीब वंचित शोषित वर्ग से आने वाले लोग मजबूती से मेरे नेता के साथ खड़े रहे। और यही कारण है कि मेरे नेता के मरते दम तक मुख्यमंत्री जी उनसे डरते रहे। तभी जब वो अस्पताल में भी ढाई महीने तक थे, एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी मेरे नेता मेरे पिता का हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा, पर इसका नुकसान मेरे नेता मेरी पार्टी से ज्यादा मेरे प्रदेश को बांटने की राजनीति का नुकसान मेरे प्रदेश ने जाना। आज भी जितने वादे इन्होंने किए कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे, चुनाव से पहले एक और झुंझुना पकड़ाया कि अगर किसी की हत्या हुई दलित परिवार में, पहले तो शर्म आनी चाहिए। आप गृह मंत्री हैं प्रदेश के, मुख्यमंत्री के साथ साथ आप हत्या की सोच भी कैसे रख सकते, पर इन्होंने कहा कि किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक परिवार दिखा दे जिसको नौकरी दी गई हो। हर जगह हर घटना पे चिराग पासवान हमारी पार्टी के नेता जा रहे हैं। वहां पर जब हम लोग डीएम प्रशासन से पूछते हैं तो भैया इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसकी हम लोग को जानकारी नहीं है कि क्या इसका रोड मैप है नौकरी देने का। तो ये झूठे वादे करकर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा देने का काम। भाई उसी नेता को डरने की जरूरत है जिसके मन में चोर है। अगर मुख्यमंत्री जी के मन में चोर नहीं होता तो कोई कितनी भी एजेंसियों का इस्तेमाल करे, शांति से आप रहिए ना भैया, क्या फर्क पड़ता है आपको। पर जब जब मुख्यमंत्री पेगासस घोटाले की जांच की बात करते थे वो भूल जाते थे भैया कि सृजन घोटाले की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह में जिस तरीके से कांड किया गया और उसकी पुनरावृत्ति पटना में की गई और 24 घंटे के भीतर जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उस अधिकारी महिला को तुरंत आपने क्लीन चिट दे दी, तो उंगली आपके ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? सृजन घोटाले का डर आपको पाला बदलने पे मजबूर करता है। मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह में घटी घटनाएं आपको पाला बदलने पे मजबूर करती है। आपके मन में चोर है और मन में चोर उसी के होता है जिसके जिसने अपराध किया हो, जिसको पता हो कि भैया कल जांच में पोल खुलेगी। बहरहाल ये तमाम बातें जांच का विषय है और उम्मीद है कि इस पे जांच हो, क्योंकि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब तक ऐसी घटनाओं की सच्चाई सामने नहीं आती इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। अगर मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह की जांच होकर अपराधियों को सजा दे दी गई होती तो पटना में पुनः कभी ऐसी घटना नहीं दोहराई जाती। तो इन तमाम घटनाओं की भी जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार पे तो मैंने बोला ही है कि 7 निश्चय की भी जांच होनी चाहिए। चले जाइए भैया, हर एक जगह टैंकी फटी हुई, पाइपें फटी हुई, नली गली के नाम पर सड़कें सालों तक खोद कर वहीं पे पड़ी रहती है। क्या हो रहा है भैया, पैसे बाढ़ के समय में क्यों हर साल बाढ़ का पानी कटाव के माध्यम से गांव में खेतों में घुसता है? तटबंध बनाने के नाम पर जो निकासी होती है पैसों उसकी जवाबदेही कौन लेगा भैया, कि ऐसा कैसा तटबंध आपका बनता है कि एक बाढ़ के पानी से आपका पूरा कटाव होके पानी घर में घुस जाता है? आज सुखाड़ में जितने किसान हमारे प्रभावित हैं सुखाड़ से, उसकी निकासी हो रही है सुखाड़ किसानों को मुआवजे के नाम से, पर किसानों के परिवार में चले जाइए किसी को 1 रुपया? तो इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए और जांच की आंच यकीनन मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाएगी। अपनी बात तो खैर बाद में करूंगा, ये जनता निर्धारित करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की समर्थक सरकार जरूर आएगी ये मैं मानता हूँ, पर दूसरा इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगला कोई भी चुनाव हो कम से कम मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत नहीं करने वाला। एनडीए नहीं करने वाली थी इसीलिए इन्होंने अपनी खत्म होती राजनीति को बचाने के लिए उस तरफ गए। महागठबंधन की तरफ से भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि महागठबंधन भी अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेहरा नहीं बनाने वाला।
आगे क्या खासियत है सीएम? खासियत नहीं है, खासियत नहीं है, अपने पे भरोसा कम है इन दलों को, इन नेताओं को। मैंने तो उस वक्त भी भाजपा को कहा था, क्यों भैया सबसे बड़ी पार्टी आप है, डबल इंजन की सही मायनों में सरकार चलानी है तो बनाइए, वहाँ पे केंद्र में आपके नेतृत्व में सरकार है, बिहार में दीजिए भाजपा के नेतृत्व में सरकार, क्यों नतमस्तक रहे? और आज इनको एहसास हो रहा है, आज इनको एहसास हो रहा है, आज बोल रहे हैं कि भैया धोखा हुआ। चिराग पासवान चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद भी बोलता था कि ये धोखा देंगे। कारण कुछ नहीं भैया, जब आपके पास अपनी नीति नहीं होती, क्या नीति है भाजपा की बिहार, क्या नीति है राजद की बिहार में विकास को? मुख्यमंत्री जी के पास सही गलत जो है, सात निश्चय, नली गली, भाई ये नीति है विकास की, नली गली बनाना, इन नीतियों पे बिहार विकास करेगा। कौन बात करेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की? कौन बात करेगा बिहार में आईटी सेक्टर, एमएनसीज को लाने की? एजुकेशनल हब बिहार क्यों नहीं बन सकता जब कोटा जैसा राज्य, कोटा जैसी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बन सकती है? क्यों बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता, उद्योग धंधे नहीं खुल सकते? पर इस तरफ बात कौन कर रहा है? और आज जो लोग सरकार चला रहे हैं भाई, बताइए पिछले 30-32 साल में इनके अलावा सत्ता में और कौन रहा है? यही लोग रहे हैं सत्ता में पिछले 30-32 सालों में। तो जो लोग 32 साल में विकास नहीं कर पाए अब क्या करेंगे? पर इनके सामने नतमस्तक जो दल रहे हैं उनकी भी बड़ी जवाबदेही बनती है कि उनकी नतमस्ती की वजह से आज बिहार का ये हाल है।